हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर डॉट कॉम। आज हम बैठे हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर और हम बात करेंगे इसके हाइब्रिड वेरिएंट के ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें आपको यहां पर देखने को मिल रहा है एक बी मोड। आखिर इसका क्या मतलब है? तो ये आपको ट्रांसमिशन मिलेगा दोनों हाइब्रिड वेरिएंट्स, अगर आप बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की या फिर सुजुकी ग्रैंड विटारा की, दोनों के हाइब्रिड वेरिएंट में आपको ये सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है और वहां पर आपको नॉर्मल जो ड्राइव मोड्स होते हैं उनके अलावा आपको यहाँ पर बी मोड देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने चैनल पर अर्बन क्रूजर हाई राइडर के लगभग सभी फीचर्स की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की हैं, जिन्हें आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बी मोड के साथ। बी मोड अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि जो नॉर्मल मोड्स हम देख पा रहे हैं, पी फॉर पार्किंग मोड है, आर फॉर रिवर्स मोड है, एन फॉर न्यूट्रल एंड डी फॉर ड्राइव मोड, जिस पर आप यूजुअली ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते हैं। तो बी मोड यहाँ पर काम करता है इंजन ब्रेकिंग का, इसे आप इंजन ब्रेकिंग मोड भी कह सकते हैं। या अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अगर आप जब भी डाउनहिल चलाते हैं गाड़ी, तो नॉर्मल जो हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियां होती हैं उनमें हम यूजुअली छोटे गियर के अंदर गाड़ी को डालकर चलाते हैं, जिससे कि जो इंजन की एक जो एक खिंचाव होता है, जो ब्रेकिंग होती है, उसको यूज़ करते हुए हम गाड़ी को पूरा कंट्रोल्ड वे के अंदर ढलान पर आराम से उतार सकते हैं, डाउनहिल के समय उतार सकते हैं। बट ऑटोमेटिक में इशू क्या आता है कि आपके पास केवल ड्राइव मोड होने की वजह से आप वो जो इंजन ब्रेकिंग या कह लीजिए जो खिंचाव है छोटे गियर वाला, वो यहाँ पर मिसिंग रहता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर आपको बी मोड दिया गया है। और दूसरा बेस्ट पार्ट होता है बी मोड का कि इससे आपका रीजनरेशन का प्रोसेस भी जल्दी से होता है। तो आपका, क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है, तो इसमें जो आपकी हाइब्रिड बैटरी होती है उसको भी चार्ज जल्दी चार्ज होने में हेल्प मिलती है। तो ये आपको केवल और केवल उसी समय लगाना है जब आप डाउनहिल के समय छोटे गियर का प्रयोग करना चाहें गाड़ी को कंट्रोल वे में उतारने के लिए। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप जान पाए होंगे बी मोड के बारे में। इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।